गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। इलेवेंथ क्लास के चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है पीरियोडिसिटी। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द पीरियोडिक टेबल इन विच देर आर मैनी थ्योरीज वॉज प्रपोज इन दिस रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द ट्रायड रूल, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द ऑक्टेव रूल एंड देन the graphic experiment of Lothermere, and then we discuss the Mendeleev periodic table, and after that we discuss the modern periodic table of Henry Moseley. Okay, Henry Moseley ki periodic table ke andar humne ye dekha hai ki there are 18 groups and 7 periods in modern periodic table, and the periodic table is basically classified in 4 groups S, P, D and F. इन विच वी हैव सीन दैट द ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है आपको इन इन दिस पीरियोडिक टेबल, द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दिस इज इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक, एंड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड हो गया। देन ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फ्रॉम 3 to 12, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक है, ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम ग्रुप 13 to ग्रुप 18, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक, ठीक है ना, उसको पी ब्लॉक के अंदर करते हैं 13 to 18 को, 3 to 12 को करते हैं डी ब्लॉक में, और फर्स्ट सेकेंड को इसमें करते हैं एस ब्लॉक में। देन जो सेपरेटेड ग्रुप्स हैं उनको हम किस में करते हैं, ऊपर वाली जो लाइन है लेंथेनम से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और नीचे से जो लाइन स्टार्ट हो रही है एक्टिनियम उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है या ओरिजिनल उसका जो फ्रेम है वो है ये, जिसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर हमने ये भी देख लिया है कि जो ग्रुप फर्स्ट है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो ही हैं, जिसको वेरी स्मॉल पीरियड बोलते हैं अपन। इसके बाद में जो ग्रुप सेकंड आता है उसमें लिथियम बेरिलियम वाले और सोडियम मैग्नीशियम वाले थर्ड ग्रुप को, इनमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। पहले वाला वेरी शॉर्ट पीरियड है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है। देन ग्रुप सेकंड और थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड, बिकॉज दे कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। उसके बाद में आता है ग्रुप 3, 4, है ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इसके अंदर आते हैं 32 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, 32 के अंदर दो एलिमेंट किसके होते हैं एस ब्लॉक के, 10 एलिमेंट्स किसके होते हैं डी ब्लॉक के, 12, उसके बाद में 6 एलिमेंट्स किसके होते हैं पी ब्लॉक के, देन कितने होंगे टोटल 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ग्रुप जो फिफ्थ होता है, सिक्स ग्रुप के अंदर लैंथेनम के जस्ट बाद में, है ना, लैंथेनम के जस्ट बाद के अंदर हमारे पास में लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, इसलिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे 32 प्रेजेंट होते हैं, और वाइल जो सेवन्थ ग्रुप होता है वो आगे कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो होता है इन अलग अलग ग्रुप्स का नाम, सबसे लंबा कौन सा सिक्स्थ वाला, सबसे छोटा कौन सा फर्स्ट वाला, इनकम्प्लीट कौन सा सेवन्थ वाला, ठीक है, शॉर्ट पीरियड कौन सा सेकेंड एंड थर्ड, लॉन्ग पीरियड कौन सा फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। इसके बाद में आती है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है। आज की क्लास के अंदर बेसिकली मेरा एक ही कंसंट्रेशन रहेगा कि पीरियोडिक टेबल को आप लोकल ट्रिक से किस तरीके से याद रखेंगे, तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पहले इस फॉर्मेट से में बना लेनी है, और बना लेने के बाद में आपको उसको याद रखना ताकि आप इजीली रख पाओ। देखो इसके अंदर फर्स्ट जो आता है उसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स को याद रखने का एक ही तरीका होता है, एच को हमने बोला हे, ली, न, का, रब, कैसा, फकीर, तो आप याद रखेंगे हेलिना का रब कैसा फकीर, इस चीज़ को आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो फ्लो में आ जाएगी, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए हेलिना का रब कैसा फकीर, हे फॉर
एच, ली फॉर एल आई, ना फॉर एनी, का मतलब के, रब मतलब आर बी, कैसा मतलब सी एस, फ़कीर मतलब एफ आर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ट्रिक याद हो तो आप उसके बेसिस पे याद कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी को ध्यान में रखें। दूसरे के लिए मैंने बोला है बी ई को लिखा है बेटा, एम जी को मांगे, सी ए को कन्या, एस आर को सुंदर, बी ए को बाप और आर ए को राजी। मैंने लिखा है बेटा, मांगी, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। सेकंड वन लाइन प्रिपेयर हो जाएगी से, बेटा फॉर बी ई, मांगे मतलब एम जी, कन्या मतलब सी ए, सुंदर मतलब एस आर, बाप मतलब बी ए, आर ए मतलब राजी। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ये दोनों लाइन आपको याद दिलाएंगे किसकी, एस ब्लॉक की, जिसके अंदर कौन कौन से ग्रुप कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंप्लीट हो गए। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आती है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17। एक बार मैं ये वाले ग्रुप्स ले लेती हूँ। ग्रुप 13 की बात करते हो तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आई रिपीट द वर्ड्स, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बी फॉर बैंगन, ए एल फॉर आलू, जी ए फॉर गाजर, इन फॉर इन थैला मतलब टी एल। ये आपको याद दिलाएगा कौन सा, बोरोन फैमिली का ग्रुप 13 के लिए ट्रिक होगी, है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं अपन, बीच वाले एक बार छोड़ें क्योंकि उनको हम इस तरीके से देखेंगे, सॉरी ये वर्टिकली देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अपन इन ग्रुप 13 to 12 थोड़ी देर में देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो आता है वो आता है 14 ग्रुप या कार्बन फैमिली। कार्बन को आपने लिखा है का, एस आई को लिखा है सी, का सी, दोनों अलग अलग नाम है, फिर आपको इसी तरीके से याद रखना, कांशी, कांशी मतलब सी और एस आई दोनों। जी ई मतलब गए, एस एन मतलब शंकर, पी बी मतलब प्रभु। ट्रिक क्या हो गई, कांशी, गए, शंकर, प्रभु। रिपीट कर रही हूँ, कांशी जगह का नाम है ना, इसलिए कांशी, जी ई मतलब गए, एस एन मतलब शंकर, पी बी मतलब क्या होता है, प्रभु। कांशी, गए, शंकर, प्रभु। इसके अंदर आपको याद यही रखनी है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड। उसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस किस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं आपको, है ठीक है। तो हो गया इससे कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड का, कांसी, गए, शंकर, प्रभु। पहले का बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, 13 का हो गया, 14 का। उसके बाद में कौन सी आती है, उसके बाद में आती है नाइट्रोजन फैमिली। हाँ, जो ग्रुप 13 होती है उसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं, जो ग्रुप 14 होता है उसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 के नाम से याद आया मुझे, ग्रुप 15 जो होता है उसको हम निकोजन्स बोलते हैं। आगे बताऊंगी मैं कि कौन से ग्रुप का क्या नाम है ना, ग्रुप 13, 14, 15 इस तरीके से, फर्स्ट सेकेंड किस किस ग्रुप का क्या नाम है। तो ग्रुप 15 है, उसके अंदर आता है आप लोगों के सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद में आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन को शो करा है नाना, पी फॉर पाटेकर, ए एस फॉर आज, एस बी मतलब सबके, बी आई मतलब बीच। नाना, पाटेकर, आज, सबके, बीच। नाना को लिखना है एन, पाटेकर मतलब पी, आज मतलब ए एस, सबके मतलब एस बी, बीच मतलब बी आई। नाना, पाटेकर, आज, सबके, बीच। तो ये याद रखने की ट्रिक किसके लिए, ग्रुप 15 के लिए आप लोगों की। ठीक है, 15 के लिए ग्रुप हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15। 15 फैमिली को हम निकोजन्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं रीजन आगे देखें। इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है ग्रुप 16, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम बोलते हैं चैल्कोजन्स। आप चाहें तो उसको कैल्कोजन भी बोल सकते हैं, आप चाहो तो उसको चैल्कोजन्स भी बोल सकते हो। 16 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले ये देख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसको याद रखने के लिए आपको जो स्पेशल ट्रिक लेनी पड़ेगी वो क्या है, देखिए। ओ मतलब ओल्ड, ठीक है ना, ओ मतलब ओल्ड, एस मतलब स्टाइल, एस ई सेलेनियम को लिखा है से, टी ई टेल्यूरियम को लिखा है टी, और पोलोनियम को लिखा है पो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब समझते हो चीटिंग करना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन को डिनोट किया ओ से, सल्फर को स्टाइल, सेलेनियम को से, टेल्यूरियम को टी, और पो को पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये जो ट्रिक है वो किसके लिए है, ग्रुप 16 के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 के अंदर कौन आते हैं, हेलोजन्स आते हैं। हेलोजन के अंदर देखो पहला एलिमेंट आता है आप लोगों का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटीन। फ्लोरीन को हम डिनोट कर सकते हैं फिर, क्लोरीन को कल, बीआर को बाहर, आई को आई, एटी को आंटे, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। समझ आई बात, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन। इस ग्रुप के अंदर सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से हम हेलोजन्स बोलते हैं, पर ध्यान रहे हेलोजन की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप हमेशा याद रखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, और रेडियो एक्टिव नेचर का होने की वजह से इसको जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो होता है उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस बोल सकते हो आप, जीरो ग्रुप बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हैं ग्रुप 18 को, जीरो ग्रुप बोल सकते हो, जीरो ग्रुप, या फिर बोल सकते हैं इनर्ट गैसेस, या फिर बोल सकते हैं आप नोबल गैसेस। इसके अंदर आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, सारी की सारी जो होती है वो बहुत लाइट वेटेड गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इनकी। एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं उसमें 0.01% रोल होता है इन गैसेस का। इसको याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, एच ई, एच ई को हीलियम को बोला है हरबजन, नियोन को लिखा है ने, ए आर को लिखा है आरती, के आर को लिखा है करके, एक्स ई को लिखा है ज़ीरो, आर एन को लिखा है रन बनाए। रिपीट करती हूँ सारी बात को, हरबजन, ने, आरती, करके, ज़ीरो, रन बनाए। ये आपकी याद रहेगी 18th ग्रुप को याद रखने की ट्रिक। एक बार के लिए सारी ट्रिक्स रिपीट कर देती हूँ मैं ताकि आपको इजी रहे। हमने सबसे पहले देखा है ग्रुप फर्स्ट। फर्स्ट के लिए ट्रिक लिखी है हेलिना का रब कैसा फकीर, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन को याद रखने का एक ही तरीका है, हेलिना का रब कैसा फकीर, बार बार रिपीट करोगे हेलिना का रब कैसा फकीर, हेलिना का रब कैसा फकीर, याद हो जाएगी। दूसरे की ट्रिक लिखी हमने बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाप राजी लिखें रोए लिखें वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट जो ट्रिक आती है ना हेलिना का रब कैसा फकीर, तो ये भी याद रखना है कि हे किसको बोला था, ली किसको बोला था, ना किसको बोला है, का किसको बोला, रब किसको, कैसा किसको, फकीर किसको। ऐसे नहीं कि लोकल ट्रिक्स तो याद रह जाए और सिंबल भूल जाओ, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ का।
तो पहले की याद है हेलिना कर्ब कैसा फकीर, दूसरी की है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मतलब बी, मांगे मतलब एम जी, कन्या मतलब सी ए, सुंदर मतलब एस आर, राजी बाप मतलब बी ए और राजी मतलब आर ए। नेक्स्ट जो है वो आते हैं अपन ग्रुप 13, 14, 15 इन पे। तो सबसे पहले ग्रुप 13 की बात करते हैं, बोरोन फैमिली। तो बैंगन आलू गाजर इन थेला, बैंगन मतलब बोरोन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब जी ए, इन मतलब इंडियम और थेला मतलब थेलियम। बैंगन आलू गाजर इन थेला। अगली जो ट्रिक आती है वो आती है कार्बन फैमिली की। तो कार्बन फैमिली वाले के लिए हमने ट्रिक लिखी थी कांसी गए शंकर प्रभु, का मतलब सी ए, सी मतलब सिलिकन एस आई, गए मतलब जर्मेनियम, एस एन मतलब शंकर और प्रभु मतलब पी बी, है ना, कांसी गए शंकर प्रभु। रिपीट रखेंगे कार्बन सिलिकन जर्मेनियम स्टेनस लेड। नेक्स्ट जो आती है वो आती है ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। नाइट्रोजन नाना पाटेकर आज सबके बीच, नाना के लिए हमने लिखा है नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक को लिखा है आज और एंटीमनी को लिखा है हमने सब और बिस्मिथ को लिखा है बीच। ये ट्रिक इसके लिए याद रहेगी ग्रुप 15 के लिए नाना पाटेकर आज सबके बीच। ग्रुप 16 के लिए हमने लिखा है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड मतलब पुरानी, स्टाइल से टीपो मतलब वो चिटिंग करने का तरीका होगा कुछ, जो भी आपसे है इजी वे में याद रहती है तो रख सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई की आपकी ट्यूनिंग बनती है तो आप याद रख सकते हो उस चीज़ को, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसी रूल से याद रखेंगे। ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि आपको जिस भी तरीके से किसी को अगर वर्टिकल कोई ट्रिक याद है या किसी की कोई याद करने की अलग से लेरिंग से, तो उसको भी आप पकड़ के रख सकते हो। ग्रुप 15 के लिए मैंने बोल दिया नाना पाटेकर आज सबके बीच, ठीक है 15 का हो गया। ग्रुप 16 के लिए जो ट्रिक आई है वो आई है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। ग्रुप 17 के लिए क्या लिखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, जो हेलोजन से उनके लिए फिर कल बाहर आई आंटे, ठीक है ना, याद रखेंगे फिर कल बाहर आई आंटे। और लास्ट वाला जो लिखा है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन, जो ग्रुप 18 है जिसको अपन जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट केसेस बोलते हैं, इनके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, हरभजन ने आरती करके जीरो रन बनाए। अब देखो इसके लिए ये है कि ऑलमोस्ट जितनी भी हैं एस और पी उसकी तो अपन ट्रिक्स देख चुके हैं, आपको ये बार बार इन चीज़ों को लिख लिख के याद रखना है। जब तक आप पीरियोडिक टेबल नहीं लिख पाओगे तो मैं तो जब भी पढ़ाऊँगी हमेशा पीरियोडिक टेबल सामने रखेंगे या फिर मैं तो विद इन 2 मिनट्स आई कैन ड्रो दिस। तो जब तक आपको याद नहीं होगी आपको बार बार ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि क्या लिखना चाहिए क्या याद नहीं है। जब तक एलिमेंट्स के याद नाम याद नहीं है तब तक आप पर्टिकुलर की जो कमेंट करते हैं, जैसे ये मेटेलिक है ये नॉन मेटेलिक है ना, ये मेटलॉइड है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा, हर एक स्टेप पे कन्फ्यूज़न रहेगा। और जब पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो चैप्टर है उसमें पूरे में दिक्कत आएगी, उसके बाद में हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद में एस ब्लॉक आएगा, उसके बाद में पी ब्लॉक आएगा, अगले साल आप लोगों के डी एफ ब्लॉक आएंगे, है ना, इस तरीके से। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको याद रखें, ठीक है। यहाँ तक तो एस और पी ब्लॉक की हो गई। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक का। 3 से 12 तक का जो ग्रुप आते हैं उसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या आती हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है ना। स्कैंडियम को मैंने लिखा है स्काई, टाइटेनियम को लिखा है टाई, वेनेडियम को लिखा है वाला, क्रोमियम को लिखा है क्रोमियम, मैन मैग्नीज को लिखा है मैन, आयरन को लिखा है फिर, कोबाल्ट को लिखा है क्यों, निकल को लिखा है निकला और कॉपर को लिखा है कॉपर, जिंक को लिखा है जिंक। एक साथ पढ़ोगे तो आया है स्काई टाई वाला क्रोमियम मैन फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। अगेन रिपीट, स्काई टाई वाला क्रोमियम मैन फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये ट्रिक हो गई आप लोगों के तीसरी वाली लाइन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ लाइन की
फोर्थ पीरियड के लिए याद रखनी कि जिसको 3D सीरीज़ बोलते हैं अपन, इस सीरीज़ को याद रखने की ट्रिक है स्काई टाई वाला क्रोमियम मैन फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। एक दो बार इसको आप रिपीट करके देखें, स्काई टाई वाला क्रोमियम मैन फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। साथ में ट्रिक के साथ में आपको सिंबल भी याद रहनी चाहिए, एक दो बार रिपीट करोगे फ्लो में आ जाएंगे, सेट हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई हैं किसकी, एस ब्लॉक के लिए इसमें ग्रुप फर्स्ट सेकेंड, स्पेशली एस और पी ब्लॉक की अपनी हो चुकी हैं, डी की मैंने जस्ट एक ट्रिक बताई है आपको, एक लाइन बताई है। अगली क्लास के अंदर मैं जो ट्रिक बताऊंगी वो आएंगे आप लोगों के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, देन हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइज़।